एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देव दत्त इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली विक्रम देव दत्त अपॉइंट हो गए हैं एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अभी ये प्रेजेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे दिल्ली गवर्नमेंट के टूरिज्म सेक्टर में। ओके, और अब नए ऑर्डर के हिसाब से इनको चेयरमैन बना दिया गया है एयर इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, अब हम लोग कुछ बहुत रिसेंट और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे हमारे नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ। उसके बाद रॉबर्टा मेट्सोला प्रेसिडेंट बन गए हैं यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के। उसके बाद शेर सिंह बी ख्यालिया बन गए हैं CEO किसके, अदानी पावर के। इसके अलावा नरेंद्र कुमार गोयनका ये अपॉइंट हो गए हैं एज नए चेयरमैन किसके, AEPC मतलब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। ओके, इसके बाद रघुवेंद्र तनवार बन गए हमारे नए चेयरमैन किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के। इसके बाद हमने देखा था रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथन बनेंगे हमारे नए इसरो के चीफ। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मिस्टर के सिवन को। इसके बाद एक्टर राजकुमार राव बन गए हैं नए ब्रांड एम्बेसडर किसके, रिन्यू बाय के। और हमने ये भी देखा था कि हमारे नेक्स्ट IMF चीफ कौन बनने वाले हैं, पियर ओलिवियर। ठीक है, अब आपको बताना है कि विक्रम मिश्री किस पोस्ट के लिए हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और हाल ही में मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 11 विनिंग सिटीज को किस लिए, स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए। और 10 विनिंग सिटीज डिक्लेयर हुई हैं पहले स्टेज के नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ने Season 2 भी लॉन्च कर दिया है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज का, और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंजेस का सेकेंड सीजन भी लॉन्च हो गया है। इसके अलावा एक बुक भी इन्होंने लॉन्च की है, क्या नाम है उस बुक का, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके अलावा हाल ही में एक एटलस जारी किया गया है जिसका नाम है क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस। किसने लॉन्च की है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। और इसके अकॉर्डिंग जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, फॉर एग्जांपल रामनाथपुरम, पडुक्कोटई एंड थंजावुर जो कि तमिलनाडु में है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि यहाँ पे हाई स्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब लगभग 8.5 to 13.7 मीटर्स के साइक्लोन्स आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो सिंपली इस क्वेश्चन से आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया किसने रिलीज की है, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है P3 मूवमेंट। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि P3 का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आंसर है इसका प्रो प्लैनेट पीपल। क्यों, टू अंडरलाइन द इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स जो कि हमने किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ डेवोस एजेंडा 2022 के लिए। एक्चुअली इस एजेंडा में क्या हुआ था, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आए थे, जो भी हेड हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के वो भी आए थे, और इन्होंने डिस्कस किया था क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और क्या इसका हल हो सकता है, कैसे इसको टैकल करेंगे, इसका एक प्लान बनाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम COP 26 की बात करें जो कि कहाँ पर हुआ था, ग्लास्को में
ग्लासगो एक सिटी है स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या चीज़ें अनाउंस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा था कि इंडिया सेट कर रहा है अपना नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट, मतलब ये हम बन जाएंगे किस साल तक, 2070 तक, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने अपडेट कर दी थी अपनी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जो कि मीट करना है हमें 2030 तक। इसके अलावा हमने इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 500 गीगावाट, जिसमें से 50% की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ से मिलनी चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस डावोस एजेंडा में बेसिकली ये हाईलाइट किया था कि हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं क्लाइमेट की वजह से, और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेक मेक यूज़ और डिस्पोज की थ्योरी से बाहर निकल के सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है, मतलब चीज़ों को रिसाइकल करने की कोशिश किया करें, ओके। अब आपको मुझे ये बताना है कि सेम इवेंट में, सेम मतलब COP26 समिट में, सारे ही लीडर्स ने ये एग्री किया था कि वो डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स कर देंगे किस साल तक, अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम वन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS बोमई, इन्होंने ये कहा है कि ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा रिपब्लिक डे से टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या इसका एम रहेगा कि जो भी सर्विसेज हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, उनको लोगों के घर तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो लगभग 30,000 ग्राम वन सर्विस सेंटर्स भी बनवाए जाएंगे ताकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम हैं या सर्विसेज हैं उनको लोगों तक बहुत एफिशिएंटली प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब कर्नाटका के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले कर्नाटका हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे स्कीम चलाई गई थी, एक ई बाइक टैक्सी स्कीम। क्या है इसमें, इसके अंदर में जो भी इंडिविजुअल फर्म्स हैं या फिर जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये अलाउ किया गया था कि आप इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज रन कर सकते हैं, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं वो 10 किलोमीटर तक के लिए इसको हायर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका किराया कैसे डिसाइड होना था, एक्चुअली दो स्लैब में इसका किराया डिसाइड किया गया था। सबसे पहले अगर आप पहले 5 किलोमीटर की बात करें तो उसके लिए आपको 25 रुपये लगने थे, और अगर आप 10 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो फिर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वहाँ पे या फिर जो भी इंडिविजुअल हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं उसमें। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने हाल ही में ऐसा सोचा है कि इस किराए को हमें शायद चेंज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस यही रीज़न था कि ये स्कीम न्यूज़ में थी, ठीक है। देखिए कर्नाटका के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इकलौता स्टेट ऐसा है जिसने कि पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। मतलब इस बिल के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे गए हैं अगर कोई पाया गया फोर्स्ड या फिर इंड्यूस्ड कन्वर्जन करते हुए किसी का, ठीक है। तो एक तरह से ये सिटीजन को सेव करता है फ्रॉम मिसप्रेजेंटेशन, फोर्स, एल्यूरमेंट, फ्रॉड मीन्स या फिर मैरिज। किसी भी तरह से किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका ने एक बहुत लैंडमार्क मूव लिया है हाल ही में। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे टू ऑल द ट्रांसजेंडर्स, कहाँ पे, पुलिस स्ट्रीम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो आगे आएं और पुलिस सेक्टर में ही मेन स्ट्रीम जॉब संभालें, ठीक है। बेसिकली एक मौका दिया जा रहा है कि वो आगे आके सोसाइटी के इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर सकें, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि कन्वर्जन थेरेपी किस कंट्री ने हाल ही में बैन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट लेवांडोस्की इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो रिसेंटली इन्होंने जीता है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 का, ठीक है। और अभी करेंटली ये म्यूनिक के लिए खेलते हैं और लगातार दूसरी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। अगर बात करें फीफा वुमेंस प्लेयर में किसने जीता है बेस्ट वुमेंस प्लेयर का खिताब, तो आंसर है एलेक्सिया पुटलस, ये खेलती हैं बार्सिलोना स्पेन के लिए, ठीक है। और बेस्ट गोल ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, एरिक लैमेला को, जो कि अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग किससे रिलेटेड हैं, फुटबॉल। इसके अलावा हाल ही में नोवाक जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनको वहाँ से वापस कर दिया गया क्योंकि ये अनवैक्सीनेटेड थे। इस वजह से हेल्थ और गुड ऑर्डर ग्राउंड्स के बेसिस पे जजेस ने इनको वापस कर दिया वहाँ से, ओके।
और नोवाक जोकोविच बेस्ट बैल्कन एथलीट ऑफ द ईयर भी हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा एक इंडिया की एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको हाल ही में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। क्यों? ताकि जितनी भी यंग इंडियन गर्ल्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले स्पोर्ट्स में आने के लिए, साथ ही साथ वो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी फाइट कर सकें, ठीक है। और अगर अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करें तो ये 2003 पेरिस वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही थी। किस इवेंट में? लॉन्ग जंप, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा श्रेयस अय्यर, ये रिसेंटली बन गए हैं इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी एज वेल एज 50 हिट किया है इनके फर्स्ट डेब्यू पे, ठीक है। साथ ही ये फोर्थ इंडियन प्लेयर बन गए हैं टू विन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन हिज फर्स्ट डेब्यू इन रेड बॉल क्रिकेट। साथ ही ये 16 पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने सेंचुरी हिट की है अपने डेब्यू टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, रिसेंटली इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 2022 का विंटर ओलंपिक्स। किस इवेंट में? स्काई और स्नोबोर्ड इवेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नूसनतारा इज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की नई कैपिटल बन गई है नूसनतारा? रिसेंटली इंडोनेशिया ने एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने जकार्ता को रिप्लेस करके अपनी नई कैपिटल क्या बना ली है? नूसनतारा। क्योंकि जकार्ता बहुत ज़्यादा ओवरली पॉपुलेटेड हो गई थी, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और याद रखिएगा एज ऑफ 2022 इंडोनेशिया पूरी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है G20 ट्रॉयका। किसके साथ? इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलके, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि 2019 में G20 किसने होस्ट की थी? जापान ने। फिर 2020 में होस्ट कौन था? इटली। फिर 2021 में इंडोनेशिया था। 2022 में भी इंडोनेशिया रहने वाला है। उसके बाद 2023 में पहली बार इंडिया ले लेगी इसकी होस्टिंग। फिर 2024 में इसको होस्ट करेगा ब्राज़ील, ठीक है। और इसके अलावा अगर ट्रॉयका की बात करें तो किन कंट्रीज़ ने ट्रॉयका बनाया है? सबसे पहले 2020 में जापान, इटली और इंडोनेशिया ने बनाया था। फिर 2021 में इटली, इंडिया और इंडोनेशिया ने बनाया। अब 2022 में कौन बनाएगा? ब्राज़ील, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा करेंट प्रेसिडेंसी किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया इसको चेयर करेगा अक्टूबर। थीम क्या होगी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। उसके बाद 2023 में इंडिया ले लेगी इसकी प्रेसिडेंसी, ओके। और इंडोनेशिया की बात करें तो हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर इंडोनेशिया के, जिनका नाम है रेटनो मार्सुदी, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू था एस एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स कनेक्टिविटी। इसके अलावा इन्होंने COVID-19 क्राइसिस के ऊपर भी बात की थी, क्या सिचुएशन है म्यांमार और अफगानिस्तान में, इसके ऊपर भी, ठीक है। और इंडोनेशिया क्यों कंसर्न रहता है म्यांमार को लेके? क्योंकि इंडोनेशिया मेंबर है किसका? एशियान का, इसलिए उसको म्यांमार के डेवलपमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। क्या है एशियान? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर्स हैं इंडोनेशिया में। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? टोटल 10 हैं। कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ओके। अब आपको मुझे ये बताना है ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट किसकी है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इनके अकॉर्डिंग जब से COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है तब से लोग डिजिटल टूल्स पे ज़्यादा आ गए हैं, मतलब वो घर और बिजनेस में डिजिटल टूल्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे साइबर इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं। और इस वजह से टोटल 120 ग्लोबल साइबर लीडर से ये रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी से साइबर रेजिलियंस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके अलावा याद रखिएगा फ्लिपकार्ट ने हाल ही में दो नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। क्या नाम है? सबसे पहला है फ्लिपकार्ट लीप अहेड और सेकेंड है फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क, ठीक है।
तो ये एक तरह का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। एम क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना इनके सेलेक्टेड स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अरोमा मिशन की बात करें, किसने लॉन्च की है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। इससे एक मिशन एसोसिएटेड है नेम्ड एज पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं पर्पल रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए इनकरेज करता है, तो आंसर है कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है जम्मू कश्मीर में एरोमेटिक प्लांट्स को प्रोसेस करने के लिए, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके यूथ्स के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट्स ऑपरेशन सर्द हवा? एक्चुअली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंक्रीज कर देता है अपने सर्विलांस को पाकिस्तान बॉर्डर पे राजस्थान में अंडर दिस ऑपरेशन सर्द हवा, जो कि कब से कब तक रहेगा? 23rd of January से 28th of January के लिए। एक्चुअली दो तरह के ऑपरेशन BSF हर साल कंडक्ट करता है। पहला है ऑपरेशन गर्म हवा, ये हम करते हैं समर्स के मंथ में, और सेकेंड है ऑपरेशन सर्द हवा, जो कि ठंड में किया जाता है जब बहुत ज़्यादा फॉग और हेज होता है। तो ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगें, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी फोर्स अलर्ट हो जाती है और एक हाई अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतने लगते हैं, ठीक है। अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है संप्रीति, ये किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश। सेकेंड है मित्र शक्ति, ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। थर्ड है मैत्री, ये है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। देन फोर्थ है वज्र प्रहार, ये होती है इंडिया और USA के बीच में। इंडिया और USA के बीच में एक और है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। उसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। फिर है गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फिर है धर्मा गार्डियन, ये है इंडिया और जापान के बीच में। फिर है सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में। उसके बाद हैंड इन हैंड, ये है इंडिया और चाइना के बीच में। देन है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। फिर है कॉरपैट, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। और लास्ट है जैद तलवार, ये किसके बीच में है? इंडिया और UAE, ठीक है। अब आपको मुझे कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बतानी है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है और हाल ही में वो कंडक्ट की गई थी 5-6 महीने पहले। क्वेश्चन नंबर 8, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द साथी मोबाइल एप्लीकेशन? किसने लॉन्च किया है ये? तो आंसर है यहाँ पे सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या एम है इस एप्लीकेशन का? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स, मतलब एक तरह की अवेयरनेस ड्राइव है ये अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्ट करने में, इस वजह से इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है ताकि उन्हें हर तरह की नॉलेज मिल सके। फॉर एग्जांपल, KYC प्रोसेस के बारे में, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज देने के लिए साथी मोबाइल एप्लीकेशन को इन्वेंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आप बहुत ज़्यादा इन दिनों सुन रहे होंगे, द ग्रेट रेजिग्नेशन। क्या है ये? एक्चुअली एक तरह का एक फेनोमेना है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं COVID-19 पैंडमिक की वजह से। इसी को नाम दे दिया गया है द ग्रेट रेजिग्नेशन, ठीक है। तो बहुत सारी स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि COVID-19 सिर्फ अकेला ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन होल वर्ल्ड। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है IT इंडस्ट्री पर, और यही रीज़न है कि 2022 में IT इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हायर कर रही हैं लोगों को, ठीक है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि जो भी लेबर से रिलेटेड रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड होने वाली है। साथ ही इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2022 में पहुंच जाएगा 207 मिलियन पे, ठीक है। और यही डेटा अगर हम 2019 में देखेंगे तो उस टाइम पे कितना था अनएम्प्लॉयमेंट? 186 मिलियन, ओके। तो देखिए, ये डेटा आपके लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा नासा के एस्ट्रॉयड वॉच ने इन्फॉर्म किया है कि एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड था 7482 और यू कैन से 1994 PC1, ये सेफली पास किया है अभी हाल ही में हमारे प्लैनेट को 18th of January को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द AFC वुमेन्स एशियन कप 2022? तो होस्ट कौन है इस इवेंट का? आंसर है इंडिया. और साथ ही इंडिया का ये टारगेट भी है कि हम क्वार्टर फाइनल्स में किसी तरह पहुंच जाएं और हिस्ट्री सेट कर सकें बाय रीचिंग द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप. तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए ये एक तरह की हिस्ट्री बन जाएगी. और ये जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये शेड्यूल्ड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. और जापान पूरी कोशिश में है कि वो फिर से फर्स्ट स्पॉट पे अपना हक जमा सके लगातार तीसरी बार. लेकिन उसके बिगर कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया और चाइना. ठीक है, अब कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हाल ही में 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022, जो कि एड्रेस किसने किया था? हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने. ठीक है, थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स. और साथ ही इस इवेंट में लीप अनवील किया गया था हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए. लीप क्या है? लेवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट. फुल फॉर्म याद रखिएगा. इसके अलावा निर्मला सीतारमन ने हाल ही में 46वीं GST काउंसिल मीटिंग को अटेंड किया. कहाँ पे हुई थी ये? न्यू दिल्ली में. अटेंड किया या आप कह सकते हैं चेयर किया इन्होंने. उसके अलावा इंडिया चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमिटी को. किसकी है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की. और 10 साल बाद ऐसा होगा कि इंडिया इसको चेयर करने वाला है. ठीक है, ये कमेटी कब स्टैब्लिश की गई थी? 2001 में, ऑन द वेक ऑफ 9/11 टेरर अटैक्स इन द USA. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन्फिनिटी ब्रिज इज द आइकॉनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये ब्रिज कौन सी कंट्री में है? एक्चुअली इस ब्रिज को पहली बार ओपन कर दिया गया है रिसेंटली. ये कहाँ है? UAE में. और ये ब्रिज एक्चुअली एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका नाम है अल शिंदगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट. ठीक है, और ये कब पहली बार प्रपोज हुआ था? 2018 में. इसके अलावा अगर हम UAE की बात करते हैं, सबसे पहले UAE ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब वो फिल्मों को सेंसर नहीं करेंगी जो कि रिलीज होती हैं सिनेमाज में. और ये एक तरह से इनका एफर्ट है कि ये लिबरल हब के रूप में दिखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आता है फॉरेनर्स को. ठीक है, इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि UAE ने हाल ही में अपना वर्किंग वीक बना लिया है 4.5 डेज का. मतलब सिर्फ फ्राइडे आफ्टरनून तक काम करेंगे, उसके बाद छुट्टी, फिर सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी. तो ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो कि वर्किंग वीक 4.5 डेज का बना चुकी है रादर देन 5 डेज. इसके अलावा UAE ने हाल ही में फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया है $19 बिलियन का, जिसके अंदर में ये राफेल जेट्स खरीदेंगे टोटल 80, साथ ही साथ 12 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे. और ये सबसे बड़ी डील देखी जा रही है राफेल की फ्रांस से खरीदने के उपलक्ष्य में. ठीक है, तो अब आपके क्विज पे आ जाते हैं. ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं. यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और इनके आंसर लिखने की कोशिश करिए. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता कोई भी बात नहीं. विथ टाइम आपके स्कोर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा. बस आपको पेशेंस रखना है और डेली इसी तरह पढ़ाई करनी है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. साथ ही साथ आपके कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. हमें खुशी होगी जानकर आपका रिव्यू. तो अब हम मिलेंगे मंडे को. संडे को पढ़ाई भी करिएगा, पूरे दिन छुट्टी मत मनाइएगा. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीनू दैट्स एन साइनिंग ऑफ.